अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा हो और घर पे कोई मीठा नहीं हो तो आप ये मीठे दूध की जवा बना के खा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज की रसोई। तो चलिए गाइस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज बनाएंगे मीठे दूध के जवे। सो गाइस यहाँ पे मैंने जवे ले लिए हैं, आधे कप जवे हैं। तो ये देखिए ये रेडीमेड है, आप घर पे भी बना सकते हैं, घर पे भी बन जाते हैं। तो चलिए गाइस एक बाउल ले लेती हूँ मैं और बाउल में इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे तो कि इसमें थोड़ी बहुत किरकर होगी तो वो निकल जाएगी। तो चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ जवे और डाल के इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। तो चलिए गाइस वॉश कर लेते हैं हम इसको। सो गाइस ये देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, तो हमारे बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं। तो चलिए अब हम ले लेंगे एक छोटा सा भगोना, तो इसी में बनाएंगे हम क्योंकि हमारे जवे ज़्यादा नहीं है। तो एक छोटा सा भगोना ले लेंगे और इसमें हम सारे जवे डाल देंगे। तो ये देखिए मैं डाल देती हूँ सारे जवे। सो गाइस जवे हमने डाल दिए भगोने में। अब हम यहाँ पे एक कप ले लेंगे पानी, क्योंकि हमारे आधे कप हमारे जवे थे। तो यहाँ पे मैं एक डेढ़ कप ले लूँगी पानी और पानी डाल के इसको घुमा दूँगी अच्छे से। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। सो गाइस मैंने गैस पे ये भगोना रख दिया है जवे का और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसको बॉयल होने देंगे। तो और गाइस बॉयल हम इतने ज़्यादा बॉयल नहीं होने देंगे क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो इस पे हम एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट ढक के इसको अच्छे से स्लो फ्लेम पे बॉयल होने देंगे। तो इतने हम करते हैं अपनी ड्राई फ्रूट्स की तैयारी। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और मैं ये ड्राई फ्रूट्स मैं किशमिश और बादाम और काजू ले लिए हैं। तो देखिए मैं इनको अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो ये सारे मैं एक चाकू से अच्छे से कट कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट हमारे कट के एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे इलायची। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाली इलायची होती है छोटी वाली, वो ईमानदस्ते में जो अदरक कूटने वाला होता है ना उसमें कूट ली थी। तो अब हमारी मेवा तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने गैस की तरफ आ चुके हैं और यहाँ मैं खोल के देखती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं जवे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हो गए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे डेढ़ चम्मच डाल देंगे बड़े वाले चीनी के। तो हम चीनी पहले ही डाल देंगे। तो देखिए मैं डेढ़ चम्मच डाल दिए मैंने। और आप अपने मीठा अपने अकॉर्डिंग हिसाब से कर सकते हैं, अगर तेज़ मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने ना कम डाला है और ना ज़्यादा डाला है, एकदम परफेक्ट डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको भी अच्छे से घुलने देंगे चीनी को। चीनी अच्छे से जब मिक्स हो चुकी है तो अब हम यहाँ डाल देंगे एक गिलास भर के दूध। आप अमूल का भी दूध ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने भैंस का दूध डाला है। अब डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम बॉयल एक बॉयल लगा देंगे इसमें। सो गाइस उबाल आ चुका है जवे में। तो अब हम ड्राई फ्रूट जो हमने कट कर रहे थे ना वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट में एक चीज़ और ऐड कर ली थी जो कि मखाने हैं। तो मखाने भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो देखिए मैं सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दिए मैंने। और डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको एक बार और उबाल लगा देंगे इसमें मेवा डाल के ना अच्छे से, इस क्योंकि हमारी मेवा भी अच्छे से गल जाएगी। सो गाइज ये देखिए हमारे जवे में अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, मेवा भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, एकदम से रेडी हो चुके हैं हमारे जवे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जवे बन गए हैं। तो प्लीज़ गाइज एक बार मेरे तरीके से ट्राई करना, तो बहुत अच्छे बहुत यम्मी लगेंगे आपको खाने में भी, आपके बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए गाइज हमारे बच चुके हैं, तो अब हम इसको एक कटोरे में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म हमारे दूध के जवे मीठे एकदम से रेडी हो चुके हैं। अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा हो, अगर आपके घर में मीठा ना हो तो एक बार इस तरीके से मीठे जवे ज़रूर बना के खाना, एकदम से यम्मी टेस्टी लगेंगे आपको। और जवे तो सभी के घर में मिल ही जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करना, तो आपका मन खुश हो जाएगा। सच बता रही हूँ, आप खीर खाना भूल जाएंगे तो ये खीर को भी फेल कर देगा, सच बता रही हूँ। और बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगने वाले हैं, आपके बच्चे को भी बहुत पसंद आने वाले हैं, बड़े बुड्ढों को सबको पसंद आने वाले हैं। और घर आए मेहमान को भी आप खिलाएंगे ना तो सच बता रही हूँ इसकी रेसिपी पूछेंगे और वो भी खीर खाना भूल जाएंगे, सच बता रही हूँ गाइज। तो एक बार मेरे कहने से इसको ट्राई ज़रूर करना। सो गाइज आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना गाइज, सच बता रही हूँ बहुत सपोर्ट करिए गाइज। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि हमारे दूध के जवे मीठे कैसे लगे आपको। फुल वॉच करने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।